नमस्कार, मायसेल्फ बलदेव राम माली, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। टॉपिक ऑफ माय ई लेक्चर इज डी मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा बस इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, सब्जेक्ट कोड CS208। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे डी मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा बस की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस डेटा बस की डी मल्टीप्लेक्सिंग क्यों की जाती है। द मल्टीप्लेक्सिंग अलाउ अस टू यूज द पिन्स ऑफ अ माइक्रोप्रोसेसर फॉर मोर देन वन फंक्शन। मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक है जो अपने को एक पिन के एक से ज़्यादा फंक्शन के लिए उपयोग करने के लिए अलाउ करती है। सिग्नल लाइंस AD0 to AD7 मल्टीप्लेक्स्ड होती है, वो लो ऑर्डर एड्रेस बस A0 to A7 के साथ साथ डाटा बस D0 to D7 के रूप में कार्य करती है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में हाई ऑर्डर एड्रेस बिट्स AA to A15, हाई ऑर्डर एड्रेस बस AA to A15 पर 3 क्लॉक पीरियड तक एग्जिस्ट करता है, बिना मॉडिफाई वहाँ पे रहता है, जबकि लो ऑर्डर एड्रेस बिट A0 to A7 सिग्नल लाइंस AD0 to AD7 पर सिर्फ फर्स्ट क्लॉक पीरियड तक ही प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट क्लॉक के बाद में ये लो ऑर्डर एड्रेस एड्रेस डेटा बस से लॉस्ट हो जाता है, यदि उसको एक्सटर्नली कहीं सेव नहीं किया हो तो। फॉर एग्जांपल, इफ माइक्रोप्रोसेसर वांट टू फेच ऑपकोड 4FH फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 205H, इसके लिए माइक्रोप्रोसेसर सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स 205H एड्रेस बस पे प्लेस करता है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमेशा जिस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है उसका एड्रेस होता है। इससे हाई ऑर्डर एड्रेस 20H हाई ऑर्डर एड्रेस बस A8 से A15 पर लोड होता है, और ये हाई ऑर्डर एड्रेस इस एड्रेस बस पे हाई ऑर्डर एड्रेस बस पे 3 क्लॉक पीरियड तक मेंटेन रहता है, एग्जिस्ट रहता है। लो ऑर्डर एड्रेस 05H एड्रेस डेटा बस AD0 to AD7 पर लोड होता है, लेकिन ये एड्रेस इस एड्रेस डेटा बस पे केवल फर्स्ट क्लॉक पीरियड तक ही मेंटेन रहता है। फर्स्ट क्लॉक पीरियड के बाद में लो ऑर्डर एड्रेस 05H लॉस्ट हो जाता है, और इस एड्रेस डेटा बस AD0 to AD7 पर ऑपकोड 04FH लोड हो जाता है। इस टाइम कंप्लीट एड्रेस बस पे जो एड्रेस हैं वो 2005H के स्थान पे 204F हो जाता है।
इस लो ऑर्डर एड्रेस 05H को मेंटेन करने के लिए एड्रेस डेटा बस AD0 to AD7 को डी मल्टीप्लेक्स करना ज़रूरी हो जाता है। टू गेट लो ऑर्डर एड्रेस A0 to A7 एज वेल एज डेटा D0 to D7। अब हम डी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक फॉर एड्रेस डेटा बस इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर को डिस्कस करेंगे। माइक्रोप्रोसेसर में एड्रेस डेटा बस AD0 to AD7 को मल्टीप्लेक्स करने की जो टेक्निक है, जो सर्किट डायग्राम है, उसको नेक्स्ट स्लाइड पे शो किया हुआ है। इस टेक्निक में एक लैच चिप 74LS373 का उपयोग किया जाता है और इसके साथ माइक्रोप्रोसेसर के एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल को भी यूज किया जाता है। एड्रेस डेटा बस AD0 to AD7 की जो 8 लाइंस हैं उसको लैच चिप 74LS373 में इनपुट किया जाता है। डी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को इस डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है। इस डायग्राम में माइक्रोप्रोसेसर की AA to A15 हाई ऑर्डर एड्रेस बस जो यूनिडायरेक्शनल लाइंस हैं वो डायरेक्ट मेमोरी को कनेक्ट होती है और जो AD0 to AD7 एड्रेस डेटा लाइंस हैं उसको लैच चिप 74LS373 में इनपुट करते हैं। माइक्रोप्रोसेसर का एड्रेस लैच एनेबल पिन को लैच चिप के एनेबल पिन जी से कनेक्ट करते हैं और इस लैच चिप का OC जो सिग्नल है उसको ग्राउंड करते हैं। इस लैच चिप की जो आउटपुट लाइंस हैं वो लो ऑर्डर एड्रेस लाइंस को जनरेट करती है A0 to A7 और एक सेपरेट लाइंस डेटा लाइंस को भी बनाती है D0 to D7। यानी ये इस चिप के थ्रू AD0 to AD7 जो लाइंस है उनको दो टाइप की लाइंस के अंदर सेपरेट करते हैं, A0 to A7 लो ऑर्डर एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस D0 to D7। माइक्रोप्रोसेसर के ALE सिग्नल को लैच चिप 74LS373 के एनेबल पिन से कनेक्ट करते हैं। आउटपुट कंट्रोल सिग्नल OC ऑफ लैच को ग्राउंड करते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल के शुरुआत में यानी फर्स्ट क्लॉक पीरियड में जब ALE सिग्नल हाई होता है तो लैच 74LS373 ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यानी इस लैच का जो आउटपुट वैल्यू है वो इनपुट डेटा के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो इनपुट डेटा है वही आउटपुट डेटा बन जाता है। सो फर्स्ट क्लॉक पीरियड में लैच चिप का आउटपुट 05H हो जाता है। जब ALE सिग्नल फर्स्ट क्लॉक पीरियड के बाद में लो हो जाता है तो इस लैच चिप का आउटपुट 05H फिक्स हो जाता है, जो लो ऑर्डर एड्रेस लाइंस A0 to
A7 पर 0.5 inch बना रहता है, जब तक कि ALE पे नेक्स्ट हाई पल्स नहीं आ जाए। इस प्रकार जो रिमेनिंग क्लॉक पीरियड्स हैं थर्ड और सेकेंड, उसके दौरान भी लो ऑर्डर एड्रेस 0.5 inch A0 to A7 लाइंस जो हैं लैच की, वहाँ पे उपलब्ध रहता है। और इस प्रकार कंप्लीट जो मेमोरी एड्रेस हैं वो अवेलेबल रहता है। हाई ऑर्डर एड्रेस A8 to A15 एड्रेस लाइन पे रहता है 20H, और लो ऑर्डर एड्रेस A0 to A7 जो एड्रेस लाइंस हैं उस पे रहता है 0.5 inch। और जो ऑपकोड है मेमोरी के अंदर 4FH, वो मेमोरी से फैच होकर के जो एड्रेस डेटा लाइंस हैं AD0 to AD7 पर लोड होकर के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे जो ऑपकोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो लोड हुआ है उसको डिकोडिंग का वर्क शुरू कर देता है। इस प्रकार इस ई लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस डेटा लाइंस को डी मल्टीप्लेक्स करने की क्या नीड है, और इसको मल्टीप्लेक्स्ड क्यों किया जाता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, और डी मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए जो टेक्निक्स हैं, जो सर्किट्स हैं, कौन सा यूज़ होता है, उसकी वर्किंग को डिस्कस किया है। इस ई लेक्चर के अंदर बुक माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन विथ 8085 बाई रमेश एस गोनकर को रेफर किया है। ओके, थैंक्स।